क्या आपको पता है हेल्दी लोगों का ब्लड शुगर 100 से 120 होना चाहिए। वही खाने के 2 घंटे बाद लोगों का ब्लड शुगर करीब 130 से 160 के बीच में रहना चाहिए। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है। इसमें ब्लड शुगर का स्तर संतुलन रहना बेहद ज़रूरी होता है। अगर ब्लड शुगर का स्तर संतुलित नहीं है तो मरीज को खान पीन में, जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने से लीवर, किडनी, दिल और दिमाग संबंधित कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में इस बीमारी पर काबू पाना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ सब्जियों के सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। भिंडी में स्टार्च न के बराबर होता है, ऐसे में मधुमेह रोगियों को यह बहुत फायदेमंद होगा। भिंडी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो शुगर को पचाने में मदद करता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बीमारियों के खतरे को कम करता है। इसके अलावा आप गाजर, पत्ता गोभी, खीरा, बीन्स जैसी सब्जियां मधुमेह के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।